सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उधर कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पुणेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। इस मामले में राहुल पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल को IPC की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा, इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ, इससे कोई का नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं। राहुल की सजा पर अब किसने क्या कहा है, इस पर भी नजर डालते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्हें जमानत मिल गई है, हम शुरू से ही मानते थे क्योंकि वे जज बदलते रहे। हम कानून न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और हम कानून के अनुसार इसके खिलाफ लड़ेंगे। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी मानहानि केस पर कहा कि मैं कुछ भी कहने से पहले ऑर्डर की कॉपी देखूंगा। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वह हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश पर गलत असर डालता है। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने मुझसे कहा कि राहुल के रवैये से कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है। इसके बाद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गैर BJP नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा कि मीडिया को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, न्यायपालिका को प्रभावित कर रहे हैं और राजनीतिक दल के लोगों पर इस स्तर पर जाकर वे कार्रवाई कर रहे हैं। जानिए मानहानि का पूरा मामला क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ ये है तो मैंने ये बोला था, जो भी है इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे, तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप के जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेन उनको, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है, तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं, तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। आज ही होने वाला है, दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल कट ऑप्शन आगे। हाँ, 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ऑप्शन अभी इफ दे वांटेड टू गो फॉर अपील, अभी अपील के वक्त तक के उनसे जमानत ली जाएगी, फिर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में वो अपील का एक चांस बनता है राहुल गांधी के पास। हाँ, एक ऑप्शन है अभी उनके पास। जमानत में कितने लोगों को रखा है? एक ही अभी, वो तो अभी जब पेश हो गए तभी पता चलेगा।